जनपद मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उसकी शादी 10 महीने पहले मुरादाबाद के पीर के बाजार निवासी समर अली के साथ हुई। पीड़िता का कहना है कि उसके मामा चांद ने अपनी जमीन बेचकर अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी शादी की, लेकिन ससुराल वाले कम दहेज के चलते लगातार उसे प्रताड़ित करते रहे। साथ ही महिला ने बताया कि उसको शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति नामर्द है, जिसके चलते उसके पति ने उसे आश्वासन दिलाया कि उसका इलाज चल रहा है और वो एक महीने के भीतर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महिला का आरोप है कि उसका देवर भी उसके ऊपर बुरी नजर रखता है, जिसके चलते उसके देवर ने जब उसका पति घर पर नहीं था तो उसको जबरदस्ती चाकू के बल पर दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि जब उसने इसकी शिकायत अपने सास ससुर से की तो उसके सास ससुर ने भी अपने बेटे को कुछ नहीं कहा और मुझे ही मारना पीटना शुरू कर दिया। महिला का कहना है कि मैंने अपने पति से भी शिकायत की, लेकिन मेरे पति ने उल्टा मुझे ही मारा पीटा और 3 तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया गया। पीड़ित महिला और उसके परिजनों का आरोप है कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते पीड़ित परिवार काफी परेशान है। पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद SSP और मुख्यमंत्री पोर्टल पर आरोपी ससुराली पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि मामले में आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महीने पहले हुई थी तो मुझे पहली रात को ही पता चल गया कि मेरे शोहर जो हैं वो नामर्द हैं। क्या नाम है शोहर का? समर अली। तो उन्होंने कहा मैं अपना इलाज कर रहा हूँ, एक महीना लगेगा बहुत से बहुत, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं इस पर शांत हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उनके घर वालों ने एक महीने बाद मुझ पर मतलब पैसों की डिमांड करी, मुझसे दहेज मांगने लगे। एक बार तो 50,000 रुपये मांग रहे थे। अच्छा। जी। फिर बुलेट 50,000 रुपये और बुलेट। और मेरे मामा ने मेरी शादी करी थी, मेरे मम्मी पापा जो हैं गरीब हैं, मेरे मामा भी गरीब हैं, उन्होंने जैसे तैसे मेरी शादी करी जी। 50,000 रुपये दे दिए, बुलेट नहीं दिए अभी तक। अच्छा, बुलेट नहीं दिए। वो तो कहाँ से लाएं बुलेट, उनके पास इतना हिसाब नहीं है, उन्होंने जितना हुआ इतना करा उन्होंने। अच्छा, तो अब ये मुझे मारते हैं तोड़ते हैं, और मेरा जो देवर है मेरे ऊपर कई मरतबा तो गलत निगाह रख चुका है, और उन्हें मार तोड़ के मुझे 3 दफ़े तलाक दे के घर से निकाल दिया। अच्छा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने आपसे 10 महीने पहले अपनी भांजी की शादी करी थी, कुछ उधार लिया था, अपना प्लाट बेच के कर्जा करके मैंने लोनिया की शादी करके निपटा था। तो उससे दूसरे ही दिन को घर में कुछ बातें हो रही थी, मैंने समझ में नहीं आई मैंने क्या बात है। तो उन्होंने बताया लड़का ऐसे ऐसे नामर्द है। तो मैंने कहा हो सकता है किसी प्रकार उसके नाम में दवाई के बिना हो जाए सही, वो एक आध महीना देखो आप, देखने के बाद में उसके बाद में कोई बात करते हैं बैठ के। जब उनसे कहा गया तो एक महीने कराए इलाज करवा के सही हो जाएगा वो। जब एक महीने के बाद में फिर इस बात का सिलसिला होने लगा, लड़की को मारा पीटा और उसे घर भेज दिया, कहे तू घर को जा अपने, जब आना जब तेरे पास पैसों का हिसाब किताब हो जा। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों ऐसे इसे दिक्कत कराया जा रहा है? तो उन्होंने हमसे कहा भाई इसे लड़के की दवाई करवाएंगे, तुम हमें 50,000 रुपये दो, दामाद है तुम्हारा, तुम करोगे इस काम को। मैंने 50,000 रुपये करे, उधार कर्ज करा, अपने कुछ रिश्तेदारों से भी लिए उधार, इन्हें 50,000 रुपये दे दिए। उसके बाद में फिर 4 महीने का इन्होंने मुझसे टाइम लिया, 4 महीने तक इलाज करवाएंगे इसके, 4 महीने में सही हो जाएगा। मैं अपने काम में लगा रहा, अब लड़की वहाँ पर रहती रही, लड़की के घर में रोज़ नहीं जाता, 1-2 महीने कभी चला गया घूमने के लिए। तो जब देखूँ दिन पे दिन लड़की की हालत बहुत नाजुक होती चली जा रही थी। इस सदमे में, प्लाट बिकने के सदमे में मेरी बीवी तक की ख़त्म हो गई। मैं इतना परेशान हूँ, मैं आज इस बात इसमें रोटी खाने तक को परेशान हूँ। तो मैं इन्हें कहाँ से बुलेट दूँ, या कहाँ से इन्हें मैं इनका भरपाई करूँ, या मैं लोनिया को बताऊँ, इसके सारी ज़िंदगी दाग हो गया, ये कहाँ से क्या करेगी? इसकी तरफ से इंसाफ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं हुआ वहाँ पे। कह दिया बस आप सबर रखें, आपका जो है फैसला करवा देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं इंसाफ चाहता हूँ बस।